हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक की जो स्टेटमेंट है वो कैसे चेक कर सकते हैं। पर उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको आपका पिन फिल करना होता है जो आपने पहले क्रिएट किया। तो मैं यहाँ पे अपना पिन फिल कर देती हूँ। पिन फिल करने के बाद ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम हिस्ट्री चेक करते हैं जो हमने पहले पेमेंट ट्रांजेक्शन की हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ आप अपनी डिटेल भी देख सकते हैं, माय डिटेल में भी, यहाँ अकाउंट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेविंग अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग पूछी जाएगी। यहाँ आपका डेबिट कार्ड, तो हम लोग डेबिट कार्ड से क्लिक करते हैं। तो आपको अपनी जो डेबिट कार्ड की है वो इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो पहले एक डेबिट कार्ड का नंबर आपके जो डेबिट कार्ड के ऊपर होता है वो फिल करना है। सबसे पहले मैंने अपने जो डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर है वो फिल कर दिया। फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो फिल करनी है। एक्सपायरी डेट आपके जो कार्ड है उसके ऊपर होती है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पिन फिल, यहाँ आपको लास्ट में अपने एटीएम का पिन फिल करना है। तो मैंने अपने जो एटीएम का पिन है वो फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू टिक पे क्लिक करना है राइट के, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपके जो ऐप का लॉग है वो फिल करना है। मैंने अपने ऐप का लॉक फिल कर दिया। और यहाँ पे आप अपनी जितनी मिनी स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट है सारा यहाँ से चेक कर सकते हो। व्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे आप डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कितनी देर की स्टेटमेंट चाहिए। ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। इसको बैक करते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो चेक कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने जो बैंक की डिटेल है वो चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।